तो गाइस यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर किसी ने आपको फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया है तो आप ये कैसे पता कर सकते हो कि आखिर किसी ने आपको ब्लॉक किया है या फिर नहीं किया है। यानी कि दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि फेसबुक पर कोई ऐसा यूजर है जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है और आप पता करना चाहते हो, आप ये क्लियर करना चाहते हो कि आखिर उसने सचमुच में आपको ब्लॉक किया है या फिर नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों, ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करना है, अपने फेसबुक एप्लीकेशन को। देन यहाँ पर आपको सर्च वाले बार पर यहाँ पर क्लिक करना है, जहाँ पर सर्च वाला आइकन है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर उस आईडी को सर्च करना है जिससे आप पता करना चाहते हो कि आखिर उस आईडी ने आपको ब्लॉक किया है या फिर नहीं किया है। तो आपको उस आईडी को सर्च करना होगा, जो भी उसका नाम होगा आपको पता ही होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही उस नाम को आप लिख कर यहाँ पर सर्च करोगे, तो अगर उसने आपको ब्लॉक किया होगा तो उसका अकाउंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, किसी दूसरे का अकाउंट देखने को मिलेगा, उसका अकाउंट बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर उसने आपके आईडी को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, अगर किसी का अकाउंट डिलीट हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है या फिर डीएक्टिवेट हो जाता है या कोई भी दिक्कत उसके अकाउंट पर आ जाती है, तब पर भी अगर आप सर्च करोगे तो उसका आईडी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका आईडी जो है फेसबुक से हट जाता है। इस तरीके से अगर आप सर्च करते हो, उसका आईडी अगर नहीं आता है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसने आपको ब्लॉक ही किया है। तो बात करते हैं एक दूसरे तरीके से, जिससे आपको ये पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अभी आप देख रहे हो कि इस आईडी से वो आईडी सर्च में नहीं आ रही है, यानी कि हो सकता है इसने आपको ब्लॉक किया है। तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको एक नई आईडी में लॉगिन करना है, किसी भी एक नए फेसबुक अकाउंट में आपको लॉगिन करना है। कोई भी फेसबुक अकाउंट हो सकता है, आपके किसी फ्रेंड का या फिर आप ही का कोई दूसरा फेसबुक अकाउंट, उससे लॉगिन कर आपको फिर से उसी आईडी को सर्च करना है। उस आईडी से अगर दूसरे आईडी में सर्च करने के बाद वो आईडी आपको देखने को मिल जाती है, तो इसका मतलब यही है कि उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको दो तरीका बताया है, इससे भी आप पता कर सकते हो बहुत आसानी के साथ, इससे ही पता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और देख लेना, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपल, आपको अपने मैसेंजर एप्लीकेशन को ओपन करना है फेसबुक मैसेंजर पर, और अगर उसने आपको कभी भी मैसेज किया हुआ था, आपने उससे कभी भी बात किया हुआ था, कोई भी मैसेज आपने उससे किया हुआ था, तो आपका जो मैसेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपल, उसका मैसेज आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद जो भी आपने मैसेज किया होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब आपको एक लोगो इस तरह का देखने को मिलेगा, जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है। तो सिंपल, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पर तीसरे नंबर पर प्रोफाइल का एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब सिंपल, आप जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देखोगे अगर वो आईडी ओपन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उसने आपको ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर अगर समथिंग वेंट रॉन्ग देकर आ जाता है, या फिर वो आईडी ओपन ही नहीं होती है, तो ऐसे में हो सकता है कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो। तो गाइस, ये सब पता करने का जो भी तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर मेरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।